ओके आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के जो ये एंगल्स हमने निकाले थे प्रीवियस क्लास में 30, 45, 60, 90, 0 इस पे बेस्ड क्वेश्चंस किस किस टाइप के आएंगे और उन क्वेश्चंस को हमें करना कैसे है। तो मैं एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेता हूँ और साइन 60 कॉस 45 प्लस cos 60 sin 45 ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, आपको बोला है एवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो जो रेशोज हैं उनकी वैल्यू टेबल से देखना है। आप टेबल अपने सामने यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है ना, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, साइन कॉस टैन कॉटसेक कॉसेक, 0 इज 0, 1/2, √3/2, ओके दिस इज 1, दिस इज 1/√3, दिस इज 0, देन दिस इज √3/2, दिस इज 1/2, 390 हो जाएगा, 1 एंड 0 एंड दिस इज अनडिफाइंड, ठीक है ना। मैं बाकी टेबल नहीं बना रहा हूँ, अब ये टेबल आपको बस बना के जो है सामने रखना होगा। पिछले बार बताया भी था ये टेबल कैसे बनाना है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ टेबल से वैल्यूज़ देखेंगे और पुट करते जाएंगे। लाइक साइन 60, साइन 60 कितना है मेरे पास, √3/2 है। कॉस 45 कितना है, 1/√2 है, प्लस कॉस 60 कितना है, 1/2 है, साइन 45 कितना है, 1/√2 है। अब मुझे करना क्या है, ये 2√2 आ जाएगा, यहाँ भी 2√2 आ जाएगा, तो पूरे का एलसीएम ही आ जाएगा 2√2, ठीक है ना। 2√2 आ गया, √3 × 1 √3, बीच में प्लस का साइन, 1 × 1 इज 1, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया √3 + 1/√2। सो दिस वॉज द क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको वैल्यू देखनी है और पुट करनी है। इसी में फिर आपको जो है स्क्वायर वगैरह मिल सकता है, लाइक लेट्स से कोसेक स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 45, लेट अस से कोसेक स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 45 एंड ये हमें दिया हुआ है, आपको बोला है इसकी वैल्यू जो है निकालनी है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा कोसेक 30, देखिए साइन 30 क्या है, साइन 30 इज हाफ, तो कोसेक क्या हो जाएगा उसका उल्टा, यानी कि 2, तो हम 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, नहीं तो आप टेबल साथ में रखिए और टेबल के हिसाब से जो है आप देख लीजिए। अच्छा इसके बाद साइन स्क्वायर 45, अच्छा साइन स्क्वायर 45 कितना है, साइन 45 इज 1/√2, तो 1/√2 को मैं क्या करूँगा, सिर्फ होल स्क्वायर लिख लूँगा, माइनस सेक स्क्वायर 60। सबसे पहले कॉस 60 कितना है, देखिए कॉस 60 है हाफ, अगर कॉस 60 हाफ है तो सेक 60 क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल यानी कि 2, तो मैं 2 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर इज 4, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 1/2 बन जाएगा, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 × 4 जगह 2 − 4 विच इज −2, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन जितने भी हैं सब में करना हमें वही है कि वैल्यूज़ उठा के डालनी है बस, और उसको सॉल्व करना है, आपको यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोला हुआ है। और अभी तक हमें जो है ना एक सिंपल एक लाइन में ही सारी चीज़ें मिलती थी, यहाँ मुझे क्या मिल गया, फ्रैक्शन, बट नो प्रॉब्लम, हमें सिर्फ वैल्यू डालनी है और सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख लूँगा, वैल्यूज़ पुट करते जाऊँगा, लाइक सबसे पहले तो कॉस 30 लिखूँगा एंड साइन 60 लिखूँगा, 1 + cos 60
साइन 30, कॉस 30 कितना होता है, √3/2। वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है, साइन 60 इज़ √3/2, 1 + cos 60 इज़ हाफ, साइन 30 इज़ हाफ, √3/2, देखिए इनको जब मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √3/2 होल अपॉन, हाफ प्लस हाफ होता है 1, है ना, 1/2 + 1/2 होता है 1। अब डायरेक्टली कर सकते हैं, आधा और आधा पूरा एक हो जाएगा, तो ये हो गया 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2√3/2। इस नीचे वाले 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, इसको उल्टा कर लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आपको √3/2 मिल जाएगा, विच इज़ RHS, ये प्रूव हो गया। अच्छा देखिए, यहाँ पे जैसे कि हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, डायरेक्टली करके इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ आप डायरेक्टली कैंसिल कर रहे हो तो नीचे 1 ज़रूर लिख देना, उसके बाद आप इसको क्या करोगे, √3/1 × 1/2 लिखना, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, ये जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है इसमें कन्फ्यूज़ बहुत होता है और इसमें गड़बड़ सबसे ज़्यादा करते हैं, इसलिए देखिए कन्फ्यूज़ हो जाएँ, गड़बड़ कर दें, इससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं क्या करूँ कि मैं स्टेप वाइज करूं लेकिन मेरा आंसर ठीक आए, एक एक लाइन मुझे ज़्यादा लिखनी पड़ रही है लेकिन मेरा आंसर ठीक आ रहा है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मैं एक लाइन कम लिखूं लेकिन मेरा आंसर गड़बड़ हो जाए। ठीक है ना, अब देखिए पीछे जो क्वेश्चंस आपको बताए थे उन क्वेश्चंस में आपको और भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हो जाएंगे या फ्रैक्शन में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी, मैंने मल्टीप्लाई इनटू सब कुछ ऐड कर देंगे, सब में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि आप टेबल से उनकी वैल्यूज़ पुट करो और उसको सॉल्व करो, ठंडे दिमाग से सॉल्व करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हैं। एंड अब नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, आपको बोला है कि अगर 2 sin 2θ = √3 है तो इसमें थीटा की वैल्यू निकालो। तो देखिए इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये जो साइन है इसको मैं अलग करता हूँ, तो साइन 2θ को मैं लिख लूँगा √3/2। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए टेबल का काम है, यहाँ पे टेबल का काम क्या है, टेबल का काम यह है कि मुझे टेबल में देखना है √3/2 साइन में कब होता है। देखिए 0°, 30°, 45°, 60°, साइन, तो ये था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1, है ना, 0/4, 1/4, 2/4, उस तरीके से अगर हम निकालें तो हमें सारे साइंस मिल जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे देखना है √3/2 कब है, 60° पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो √3/2 है, √3/2 के बजाय मैं यहाँ लिख लूँगा साइन ऑफ 60°। अब देखिए यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, इसका मतलब ये जो 2θ है ये 60 के इक्वल होना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2θ must be equal to 60°। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़, ये साइन और साइन कभी कैंसिल मत करना, है ना, ये साइन और साइन कैंसिल नहीं होता है, हम यहाँ पे लॉजिकली बोलेंगे कि भाई अगर इसका साइन और इसका साइन इक्वल है तो ये एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए, इसका ये मतलब कि आप साइन और साइन कैंसिल करके दिखाओ अपने शीट में। ठीक है ना, वो थोड़ा मतलब टेक्निकली गलत हो जाएगा, वो आप हायर क्लासेस में जानोगे कि उसको हम कैंसिल क्यों नहीं करते हैं। तो फॉर द टाइमिंग आप कैंसिल नहीं करेंगे, बस हाँ ये इम्प्लीकेशन इससे आप बताएंगे कि अगर ये दोनों साइंस इक्वल हैं तो फिर ये एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए, तो थीटा आपको मिल जाएगा 60/2, दैट इज़ 30°। ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट इसी में लेट्स से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, √2cos 3θ = 1, फाइन, √2cos 3θ = 1, इसमें भी हम वही करेंगे, cos 3θ must be equal to 1/2। अब cos 1/2 कब होगा, अगर sin 31/2 है तो cos 61/2 होना चाहिए, क्योंकि 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री है, sin और cos कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, नहीं तो आप टेबल देख लीजिए, है ना, cos ऑफ 60 लिख लेंगे हाफ की जगह, है ना, cos 60 होता है हाफ,
तो सॉरी थ्री थीटा, तो थ्री थीटा इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लाइज थ्री थीटा मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे भी ये कॉस और कॉस को कैंसिल नहीं करना है, आप सिर्फ लिखेंगे थ्री थीटा जो है 60 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स थीटा मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्री बाय 320 डिग्री, दैट शुड बी माई आंसर, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। कुछ और इसमें क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी इसी टाइप के क्वेश्चंस में, मैं आपको जैसे आपको बोला है कि tan 3x इज इक्वल टू, साइन 45 प्लस इंटू कॉस 45 प्लस साइन 30। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, साइन 45 की वैल्यू डालते हैं, ठीक है, करना कुछ नहीं है, वैल्यूज़ डालनी है, सॉल्व करते जाना है, कॉस 45 साइन 30 ये आपको मिल जाएगा 1/√2 and 1/√2, 2 into 2 √2 into √2 हो जाएगा, एंड हाफ हो जाएगा 1, ठीक है। तो मुझे tan 3x क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब tan जो है 1 कब होता है, tan 1 जो है 45 डिग्री पे होता है ना, sin cos tan, हाँ 1/√2 डिवाइड होके 1, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि टेबल पूरा बना लीजिए, उसमें आपको टेबल में देखने में इजी हो जाएगा। तो tan 3x इज 1, दैट मीन्स 45 डिग्री। अब 3x मस्ट बी इक्वल टू 45, अब x मस्ट बी इक्वल टू 45/3, 15 3 = 45, एक समय कितना मिल गया, 15 मिल गया। देखते हैं इसमें और कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन की थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट वही है। यहाँ पे देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, आपको tan पावर 7 थीटा प्लस cot पावर 7 थीटा की वैल्यू निकालनी है। आपको यहाँ पे बोला हुआ है थीटा इज एन एक्यूट एंगल, मतलब 0 और 90 के बीच में होना चाहिए वो। अच्छा, अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि tan और cot दो रेशोज, दो अलग अलग रेशोज हैं। मैं क्या करूँ, या तो मैं इन दोनों को सेम रेशो में लेके आऊँ। अब उसका सबसे ईजी तरीका, जैसे tan और cot ये बड़ी अच्छी जोड़ी है, आपको बताया था ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, तो मैं इसको tan थीटा प्लस 1/tan θ इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और है ना tan थीटा, cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan θ, ये बात आपको बताई थी, cot थीटा इज रेसिप्रोकल। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, LCM ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan थीटा, tan into tan हो जाएगा tan square theta, एंड 1 इज इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा tan square theta प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan theta, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को एक जगह पे ले आते हैं, आ गया। अब इसको देखिए, इसमें कुछ पैटर्न मिल रहा है, पैटर्न ये मिल रहा है कि मुझे मालूम है a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस 2ab को हम आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं, है ना, a स्क्वायर, कई बार हम बोलते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, कई बार हम बोलते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, डजंट मैटर ऑर्डर चेंज करने से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan square theta प्लस इस 1 को अगर मैं 1 स्क्वायर लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर मैं इसको 2 इंटू tan theta इंटू 1 लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए 1 को किसी से भी इंटू करो वो वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर एंड 2ab, ठीक है। अच्छा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा
टैन थीटा। अब देखिए इसको मुझे करना क्या है, वापस a माइनस बी के फॉर्म में लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी को मैं वापस a, a की जगह क्या है मेरे पास टैन थीटा और b की जगह क्या है मेरे पास वन, क्योंकि ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो मैं इसको टैन थीटा माइनस वन लिख लेता हूँ इसका होल स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब क्योंकि इसका होल स्क्वायर ज़ीरो है तो टैन थीटा माइनस वन मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, वन को शिफ्ट करते हैं तो टैन थीटा मस्ट बी इक्वल टू वन। अब टैन थीटा वन कब होता है, 45 डिग्री, तो थीटा मुझे कितना मिल गया 45 डिग्री। थीटा इज 45 डिग्री। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं टेन सेवन एंड कॉट रेस टू सेवन थीटा, थीटा इज 45 तो टेन 45 डिग्री होल पावर सेवन एंड कॉट 45 डिग्री होल पावर सेवन। टेन 45 वन होता है, वॉट 45 बी वन होता है, तो वन प्लस वन हमें टू मिल जाएगा, ठीक है ना, तो दैट इज योर आंसर। अच्छा अब इसी में क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी और थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बट वो भी इजी है, आप लोग को बन जाएगा, बस हाँ समझने की बात है। आपको बोला है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, आपको बोला है इफ दिस इज इक्वल टू दिस साइन थीटा, ठीक है, ये सारे एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चंस हैं और हमें इसमें क्या करना है, एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी तो हम टेबल में देख के बता सकते हैं ये एंगल कितना है, ठीक है ना। जब भी ये क्वेश्चन करें आप टेबल अपने सामने एक शीट में लिख के रखेंगे ताकि आप उससे रेफ़र करके ये क्वेश्चन कर सकें, और सबसे अच्छा है वैसे तो आप टेबल पूरा याद कर लीजिए। ओके अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। आपको मैंने पीछे कुछ क्वेश्चंस में बताया था, जब भी साइन कॉस आता है और मोर ओवर जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं सेम वैल्यू से डिवाइड कर सकता हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि साइन अपॉन कॉस टैन होता है, मैं काम करता हूँ इसका डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, है ना, साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे क्या मिलेगा हमें साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। आपको पता है किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम सेम नंबर से, है ना, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो वो फ्रैक्शन कभी भी चेंज नहीं होता है, तो इधर हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा। अब हम क्या करेंगे इसे स्प्लिट कर देंगे, देखिए तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन कॉस, बीच में माइनस का साइन, फिर साइन अपॉन कॉस, दिस होल अपॉन, यहां पे कॉस अपॉन कॉस हो जाएगा, कॉस अपॉन कॉस एंड बीच में प्लस का साइन, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, ये हमें मिल गया, ठीक है ना। ये वन माइनस रूट थ्री, वन प्लस रूट थ्री को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इसको हम बाद में लिख लेंगे। नाउ कॉस अपॉन कॉस हो जाएगा वन माइनस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन, अच्छा कॉस अपॉन कॉस हो जाएगा वन प्लस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन। अब ये किसके इक्वल है, वन माइनस रूट थ्री के इक्वल है और वन प्लस रूट थ्री के इक्वल है। अब जब मैं इसे कंपेयर करूं तो वन माइनस समथिंग वन प्लस समथिंग, यहाँ पे वन माइनस समथिंग वन प्लस समथिंग, इसका मतलब ये जो टेन है ये रूट थ्री के इक्वल, टेन रूट थ्री के इक्वल, टेन रूट थ्री कब होता है 60 डिग्री पे,
इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दिस वॉज वन ऑफ द मेथड, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, दूसरे तरीके के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, आपको दिया हुआ 1 माइनस रूट थ्री एंड 1 प्लस रूट थ्री। यहाँ पे हम एक छोटा सा रूल लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसको इन शॉर्ट हम लिखते हैं सी एंड डी, कॉम्पोनेंडो ये रेशियो प्रोपोर्शन जो टॉपिक किसी छोटी क्लास में पढ़ा होगा उसमें होता है ना, व्हाट इज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एक सिंपल सी बात कहता है, वो ये कहता है कि अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, देन ए प्लस बी एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो, इसको भी एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो, अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। इस रूल को हम, इस रिजल्ट को हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस रूल को अप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे अप्लाइंग सी एंड डी, ठीक है, अप्लाइंग सी एंड डी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये हो जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। अब देखिए न्यूमरेटर ये हो गया प्लस डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज रहेगा, बीच में माइनस का साइन, डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में बस ये है कि मुझे दोनों तरफ है ना, दोनों साइड में अप्लाई करना पड़ता है, एक साइड में नहीं अप्लाई करते हैं हम, तो मुझे जो राइट हैंड साइड है वहाँ भी लगाना पड़ेगा, यानी कि मैं यहाँ लिखूँगा 1 माइनस रूट थ्री, दिस इज न्यूमरेटर प्लस दिस इज डिनोमिनेटर, सिमिलरली न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ब्रैकेट खोलते हैं, मैं इसी में खोल के दिखाता हूँ। अब देखिए ये ब्रैकेट हमने खोल दिया, देखिए फर्स्ट ब्रैकेट को खोलने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना। अच्छा ऊपर में क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, ये सेकेंड ब्रैकेट अगर मैं खोलता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज प्लस कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अच्छा वही चीज़ यहाँ भी हो जाएगी, लाइक ऊपर का हमने ये ब्रैकेट खोल दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नीचे का ब्रैकेट, पहला वाला ब्रैकेट खोलने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, लेकिन जब दूसरा ब्रैकेट खोलूँगा, देखिए माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा ये 1 भी माइनस हो जाएगा और ये रूट 3 भी माइनस हो जाएगा, तो इस बात का मुझे ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, साइन एंड साइन गेट्स कैंसल्ड और यहाँ पे कॉस एंड कॉस गेट्स कैंसल्ड, यहाँ पे कॉस और कॉस हो जाएगा 2 कॉस थीटा, साइन एंड साइन हो जाएगा नेगेटिव 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम चेक करते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, दिस रूट 3 एंड रूट 3 गेट्स कैंसल्ड, तो 1 प्लस 1 इज 2, नीचे ये 1 एंड 1 कैंसिल होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2 रूट 3, 2 से 2 गया तो ये आपको माइनस कॉस अपन साइन यानी कि कॉट थीटा मिल गया, और 2 से 2 गया यानी कि माइनस 1 अपॉन रूट 3 मिल गया, माइनस से माइनस हटा देते हैं तो हमें बेसिकली कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट थ्री मिल गया, ठीक है ना। कॉट 1 अपॉन रूट थ्री कब होता है, कॉट 60 डिग्री पे, तो इसका ये मतलब हुआ कि थीटा जो है वो 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस मेथड से भी हमने एग्जैक्टली वही आंसर निकाला, इसमें हमने ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो को यूज़ किया है, उस मेथड पे हमने डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला रूल यूज़ किया है, तो कैसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले दिए होंगे और वो आपको सिर्फ वेरीफाई करना होगा, लाइक आपको बोला है इफ़
थीटा इज इक्वल टू लेट्स से 30 डिग्री, वेरीफाई साइन लेट्स से 3 थीटा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, या फिर ठीक है ऐसे ऐसे कुछ फॉर्मूले दिए होंगे आपको वेरीफाई करने होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू साइन थ्री इंटू 30, जो कि हो जाएगा साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1, ये हमने निकाल लिया। अच्छा राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड हमें 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है। हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, 30 डिग्री डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 3 साइन 30 डिग्री, 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अच्छा साइन 30 कितना होता है, हाफ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 बाई 2 माइनस 4 इंटू 1 बाई 2 का होल क्यूब। अब इसको हम सिर्फ सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से हमें रिजल्ट मिल जाना चाहिए। अब 3 इंटू 1 बाई 2 हो जाएगा 3 बाई 2, है ना, 3 इंटू 1 बाई 2 इज 3 बाई 2, 4 इंटू 1 बाई 2 का होल क्यूब, 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, है ना, तीन बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 8, और 1 का क्यूब 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 8, 4 टू ज़ा 8, आपको मिल जाएगा 3 बाई 2 एज इट इज़ रहेगा, माइनस ये 1 बाई 2 बन जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 3 माइनस 1 होल अपॉन 2, ठीक है, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2 अपॉन 2 विच इज 1। लेफ्ट हैंड साइड हमें कितना मिला था, साइन 90 विच इज 1, राइट हैंड साइड हमें कितना मिला, 1, तो हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना, LHS इज इक्वल टू RHS, तो द फॉर्मूला इज वेरीफाइड, ठीक है ना। इस टाइप का आपको कोई फॉर्मूलेज देंगे, हाँ फॉर्मूले में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी दे सकते हैं, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन ऐसे कुछ भी दे दें, आपको सिर्फ वैल्यू डालना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, और उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, उसको वेरीफाई करना है, दैट्स इट। तो ये नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन था।